प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 याद कीजिए। एक बिरला का पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। क्या मतलब हुआ इसका? एक बिरला का पेट्रोल टंकी है, उसका आधार का व्यास दे रखा है 4.2 मीटर और उसकी ऊंचाई जो हाइट है वो दे रखी है 4.5 मीटर। तो ये बोल रहा है उसका पार्श्व या वक्र क्षेत्रफल कितना होगा। देखेंगे बेलनाकार पेट्रोल टंकी के आधार का व्यास इक्वल टू 4.2 मीटर, इसीलिए टंकी के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? व्यास बटे दो। व्यास का आधा होता है व्यास बटे दो इक्वल टू 4.2/2 इक्वल टू 2.1 मीटर। वह टंकी की ऊंचाई इक्वल टू 4.5 मीटर, इसीलिए बेलनाकार पेट्रोल टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा 2πr×h। 2πr परती हो जाएगी आधार की और h उसकी ऊंचाई हो गई, क्या हो जाएगा? 2×π का मान लगाएंगे हम 22/7×r का मान, ये हो गया 2.1×h 4.5 7×7 और 7×3×21 पॉइंट लग गया, 2×2×4 इंटू 0.3×4.5 इक्वल टू इसका करें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3×12 और 3×4×12 113 पॉइंट लग गया इंटू 4.5 इसका करें मल्टीप्लाई 59.40 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, फिर हो गया। ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। ये हो गया हमारा नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है ये इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। टंकी को बनाने में 1/12 भाग बेकार हो गया स्टील, इस्पात को बोलते हैं स्टील, तो बनाने में कुल कितना मटेरियल लगा, कितना स्टील लगा, ये पूछ रहा है। ये जो अभी हमने निकाला है फर्स्ट पार्ट में, ये निकाला है वक्र क्षेत्रफल, आंसर ये आ गया हमारा। लेकिन जब टंकी बनेगी हमारी उसका बॉटम भी होगा और ढक्कन भी होगा ऊपर, उसको बनाने में भी हमें इस्पात चाहिए, इसमें स्टील लगेगा। देखेंगे टंकी के दोनों सिरों का कुल क्षेत्रफल एक का होगा πr² हमें दो का निकालना है बॉटम का और टॉप का, तो उसमें 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2×π का मान ऐसे साथ लगाएंगे और r का मान दे रखा है 2.1, तो 2.1π² हो गया 2×22/7×2.1×2.1 7×7 ये हो जाएगा 0.2
सेवन थ्री जा 21 ये हो जाएगा 44 इंटू 2.1 टू 0.3 इसका करेंगे 21 फोर जा 48 84 21 फोर जा 84 का फोर हो गया एट कैरी हो गया और 21 फोर जा 84 प्लस करेंगे 92 आएगा 92 पॉइंट यहाँ लग गया इंटू 0.3 इक्वल टू 3 फोर जा 12 6 17 और 3 नाइन जा 27 0.1 0.1 0.2 हो गया यहाँ हो गया ये हो गया मीटर स्क्वायर। इतना स्टील लगा हमारा उसको बॉटम और टॉप को बनाने में, इसलिए टंकी का कुल संपूर्ण क्षेत्रफल इसमें हम इसको प्लस कर देंगे, ये हमारा अपने क्षेत्रफल और ये हमारा दोनों सड़क का क्षेत्रफल दोनों को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 59.40 प्लस 27.72 इक्वल टू 2.74 11.16 17 और 7.18 87.12 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसमें स्टील लगेगा। अब लिखेंगे माना टंकी को बनाने में x मीटर स्क्वायर इस्पात या स्टील लगा, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या बोले, प्रश्नानुसार एक कोटे वाला भाग नष्ट हो जाता है, इसलिए टंकी को बनाने में नष्ट हुआ इस्पात बराबर एक्स का एक बटे 12 बराबर हो जाएगा 12 एक्स बराबर एक्स बटे 12 भाग, इतना भाग हमारा बेकार हो गया, कितना बचा, इसलिए टंकी को बनाने में प्रयुक्त इस्पात इक्वल टू हमारा कुल था एक्स मीटर स्क्वायर, इतना हमारा वेस्ट हो गया तो कितना लगा एक्स में से माइनस करेंगे एक्स बटे 12 भाग ऐसे 12 आ जाएगा, इसका क्या हो गया 12 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 11 एक्स बटे 12 भाग। इतना हमारा उसमें टंकी को बनाने में जो स्टील प्रयोग हुआ है उसका आ गया ये भाग। अब जो हमने एक्स मान के किया उसके हिसाब से तो ये आया, हम इसको भाग लिखते हैं या ये लिखते हैं 11 एक्स बटे 12 मीटर स्क्वायर। लेकिन जो हमने निकाला प्रश्न के अनुसार वो आया हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों बराबर होंगे, इसीलिए इसको हम बराबर करेंगे इसके 11 एक्स अपॉन 12 इक्वल टू 87.12 देयरफॉर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 87.12 इंटू हमने इसका अपॉन 1 मान लिया, हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा इसमें इंटू में और 12 हो गया इसमें इंटू में और 11 आ जाएगा अपॉन में, डिवाइड करेंगे 87.12 को 11 से 11 7 जा 77 10 पॉइंट लग गया 1 11 9 जा 99 2 द्वारा 11 2 जा 22 ये हो गया हमारा 7.92 इंटू 12 मल्टीप्लाई 12 2 जा 24 का 4 2 कैरी हो जाएगा 12 9 जा 108 प्लस 2 110 का 0 हो गया
11 कैरी हो जाएगा और तो एक्स आ गया 84 प्लस 11 95, ये हमारा पॉइंट लग गया कितने मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात जो हमारा टंकी बनाने में कुल स्टील लगी वो हो जाएगी 95.40 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, उसका ये एरिया हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आकृति दे रखी हमें 13.12 में आप एक लैंप सेट का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20-30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। याद कीजिए कि लैंप सेट को ढकने के लिए सिर्फ कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। क्या मतलब होगा इसका, हमारा कोई लैंप सेट है उसको हमें चारों तरफ से कपड़े से ढकना है, चाहे उसको ढकेंगे तो नीचे बॉटम में और टॉप पर मोड़ने के लिए 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। जैसे ये इसमें लेंथ है, इसका व्यास है ये हमारा यहां से लेकर यहां तक 20 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है इसकी 20 सेंटीमीटर। इसमें जो कपड़ा लगा है वो कपड़ा ये 30 सेंटीमीटर लंबाई है ऊंचाई इसकी, तो 2.5 तो ऊपर एक्स्ट्रा लगा है और 2.5 कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा लगा है बोलने के लिए, तो कितना हो गया ये टोटल कपड़ा हो गया हमारा, इसकी हाइट हो गई या लंबाई हो गई 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा 5 प्लस 30, यानी का मतलब 35 सेंटीमीटर कपड़े की लेंथ हो जाएगी और जो व्यास है इसका ये हो गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, इस तरह से इसका मतलब हुआ 2.5 का जो हमने मोड़ने में लगाया है। देखेंगे लैंप सेट का व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, लैंप सेट की ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर, सेट को सजाने में दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा लगता है, इसीलिए कपड़े की लंबाई बराबर 2.5 प्लस 30 प्लस 2.5 इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब ये हमारी हाइट हो गई। लैंप सेट को ढकने में लगा कुल कपड़ा बराबर क्या हो जाएगा, 2πr into h कहने का मतलब लक्ष पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ 2 into π का हो जाएगा 22/7 × r का मान हो गया, यहाँ से व्यास ये दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी यहाँ रेडियस, लैंप सेट की त्रिज्या बराबर 20/2 = 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ r की जगह लगा देंगे ऐसे 10 × h 35 हो जाएगा, 7 × 7 = 35 ये हो गया 44 × 10 = 50 = 0 = 20
अब 20 और 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलम दानों, मतलब जो कलम पेन रखने का जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं कलम दान, को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमल कलम दान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा? क्या मतलब इसका? किसी विद्यालय में एक प्रतियोगिता हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में क्या करना है, हमको पेन रखने का बनाना है स्टैंड जिसमें हम पेन आराम से रख सकें, उसको बनाने के लिए कैसे बनाना है, वो जो उसका त्रिज्या है बेलन के आकार का बनेगा, वो जो उसकी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर है। इस तरह से जो गत्ता लगेगा वो गत्ता विद्यालय को ही देना है बच्चों को, ये नहीं कि बच्चे अपने आप खरीद के लाएं, बच्चा अपने आप नहीं लाएगा खरीद के, कोई उस गत्ते को विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा। उसमें क्या हुआ, 35 बच्चों ने भाग लिया कंपटीशन में, तो 35 बच्चों को जो गत्ता देना है वो विद्यालय को कितना गत्ता देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हो गया, लिखेंगे कलम दान की त्रिज्या रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कलम दान की ऊंचाई मतलब हाइट इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। इसीलिए कलम दान का लक्ष्य राष्ट्रीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr×h इक्वल टू 2×π/22/7×r/3 हो गया, × h×10.5 हो गया, 7×7 और 7×7 3 आया और 7×5 = 35, 22×2=54 × 3×1.5 इक्वल टू करेंगे 3×4=12 और 12×13 × 1.5 इक्वल टू 15×30 3 कैरी हो जाएगा, 15×45+3 8 4 आया और 15×15+4 19 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब एक कमलदान का वक्त क्षेत्र हो गया हमारा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, जो हम बनाएंगे स्टैंड उसमें बॉटम भी होगा, अगर बॉटम नहीं लगाएंगे, हमने पैन रखा उसको उठा लिया पैन नीचे गिर जाएगा, इसीलिए कलम दान के सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5r², इसमें r का मान लगाएंगे 22/7 × r है हमारी 3 सेंटीमीटर, 3² = 22/7 × 3×9 = 9×18 और 18×19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा कमल दान के सिरे का क्षेत्रफल। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए कलम दान का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू इसको प्लस कर लेंगे क्या हो जाएगा, 198+198/7 इसका ऐसे लेंगे 7 आएगा, 7×8=56
35 हो गया, 7 9 जा 63 या 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ से कैरी हो जाएगा 6 और 7 जा 7 प्लस 6 13 प्लस 198 इक्वल टू प्लस करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 14 और 10 8 18 3 1 4 और 1 5 और 1, ये हो गया हमारा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कितना लगेगा हमारा एक कलम दान बनाने में, लेकिन हमको कितने बनाने हैं, हमको बनाने हैं 35 लिखेंगे, इसीलिए एक कलम दान बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू ये हो जाएगा 1584 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसीलिए 35 कलम दानों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो एक का आया उसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई 35 से, 1584 अपॉन 7 इंटू 35, 7 5 35 इसमें करते हैं मल्टीप्लाई 5 से, क्या हो जाएगा 5 4 20 2 40 प्लस 2 42 वन कैरी हो जाएगा 4 और 5 5 25 प्लस 4 9 2 5 5 प्लस 2 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3500 वाले कलम दान बनाएंगे, उसको बनाने में जो कत्ता प्रयोग होगा वो होगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 30.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।